ऑल इंडिया गोल्डन लाइनेस मल्टीपल क्लब से हेमलता शर्मा को कानपुर का पदभार मिला। हेमलता शर्मा ने बताया कि हम लोग गरीब अशिक्षित बेरोजगार महिलाओं की लगातार मदद करने का कार्य किया जाता है। ऑल इंडिया गोल्डन लाइनेस मल्टीपल क्लब में हमारे जिला की हेमलता शर्मा पहली बार मल्टीपल काउंसलिंग चेयरपर्सन का पदभार संभालने जा रही है। ऑल इंडिया गोल्डन लाइनेस मल्टीपल क्लब में हमारे जिला की हेमलता शर्मा पहली बार मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन का पदभार संभालने जा रही है, जिसका शपथ ग्रहण समारोह 30 सितंबर 2023 को होना निश्चित हुआ है, जिसमें अंबाला, मसूरी, दिल्ली आदि 6 जिला से पदाधिकारी एवं सदस्य सम्मिलित होने आ रहे हैं। हेमलता शर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ सचिव कमलेश शर्मा, कोषाध्यक्ष कंचन कपूर जी, पीआरओ अर्पणा सिंह जी एवं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चित्रा दयाल जी उपस्थित रहेंगी। हेमलता जी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। बहुत बड़े बड़े दुख सहकर भी वह और नारी को अत्यधिक शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। इन्होंने अपना स्लोगन नारी की उड़ान रखा है, जिसमें अपने कार्यकाल में नारी को उड़ान भरने के लिए नारी के पंख लगाना चाहती हैं कि जिसमें उनकी पूरी टीम उनके साथ है। वह अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देती हैं एवं प्रेस क्लब से आशा करती हैं कि इस कार्यक्रम की कवरेज पूर्ण रूप से की जाए तथा समाचार पत्रों में पूर्ण रूप से प्रकाशित किया जाए एवं हमारी नारी की उड़ान में पंख लगेंगे, ऐसा उन्हें पूर्ण विश्वास है। आजा न्यूज 24 के लिए संवाददाता फरमान की रिपोर्ट। परिचय देते हुए बताइए, आज आप प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे? मेरा नाम सबसे पहले मैं बताती हूँ, मेरा नाम गोल्डन लाइनेस हेमलता शर्मा है जी। मैं पिछले 40 साल से सेवा में लगी हूँ और बराबर हम लोगों की सेवा में ही हमारा पूरे लाइनेस का समय बीतता है और हम लोग महिला सशक्तिकरण को लेके बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी महिलाएं शक्तिशाली बने, किस तरीके से उनके अंदर अपने आप स्वयं काम करने की वो हो। तो हम लोग हर तरीके की सुविधा सिलाई मशीन देकर और उनके साथ मदद करके उनके पढ़ा कर उनकी बच्चियों का एडमिशन करके उनके बच्चों को कॉपी किताबें भी देते हैं कि आप स्कूल भेजिए, मतलब उनसे रिलेटेड, महिला से रिलेटेड जितनी भी मलिन बस्तियों में या कहिए जहाँ उनको ज़रूरत है उन महिलाओं के पास जाते हैं, सेवा करते हैं और उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। और आज मैं मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन बन रही हूँ, तो ये हम लोगों की बहुत तपस्या के बाद मिलता है। हम लोगों ने बहुत साल इसके साथ काम किया और कानपुर में पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि हम लोग जो है, मुझे ये मौका मिला है और मेरे अंडर में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और आप मेरी कोषाध्यक्ष बैठी हैं, इधर सचिव बैठी हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठी हैं और पीआरओ एडवोकेट अपर्णा सिंह जी बैठी हैं। सभी के प्रयास से आज मुझे ये इतना उच्च पद मिला है। इतना ऊंचा पद मिला है तो इस पद को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? हम इस पद को लेकर कहेंगे कि मेरा स्लोगन है नारी की उड़ान जी। कि नारी को कहीं भी कमजोर मत समझिए, नारी को कहीं भी अवला मत समझिए, वो टाइम अब चला गया है। हम लोग नारी बहुत कुछ कर सकते हैं, बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेते हैं और कोई भी विपत्ति आने पर उसका हर का सामना कर सकते हैं और कहीं उनको अगर इस सामना करने में या किसी भी रुकावट में देर होती है तो मैं निश्चित रूप से खुद स्वयं जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ और उनके दुखों का निवारण करती हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके की परेशानी हो। हमारी पूरी टीम यहाँ से जाती है और बहुत ही अच्छा कार्य करके हम उन महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण बनाते हैं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।